नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी, स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज तारीख है आपकी 3 नवंबर 2022 की। शिक्षा संबंधित क्या सभी अपडेट हैं करके सभी की बात करते हैं। लास्ट में सभी करंट अफेयर की बात करेंगे जो कि आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, साथ ही साथ फेसबुक पेज पर भी हमने कल इसको प्रोवाइड कराया था, तो कोशिश करेंगे फेसबुक पेज पर भी अपडेट किया जाए। तो पहली अपडेट है, शिक्षक भर्ती के लिए चलाया गया अभियान। शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर बुधवार को एक बार फिर से टीईटी सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने अभियान चलाया। ट्वीट करके प्रतियोगी जो है उन्होंने शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने की मांग की। डीएलएडबीटीसी संघ के अध्यक्ष जो है उनका यह कहना है कि सभी शिक्षक साथी 15 नवंबर तक सोशल मीडिया के माध्यम से प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने की मांग करें। सकारात्मक परिणाम अगर नहीं मिलते हैं तो फिर विधानसभा और मुख्यमंत्री आवास के घेराव की चेतावनी भी दी। साथ ही पिछली भर्ती 2018 में निकली थी। बेसिक शिक्षा जो मंत्री है उन्होंने विधानसभा में ये स्वीकारा भी था कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों के 51,112 और नगरीय क्षेत्रों में 12,149 पद खाली हैं और विज्ञापन अभी तक नहीं जारी किया गया है। अगली अपडेट है, एसएससी से एमटीएस टायर 2 परीक्षा 6 नवंबर को वेबसाइट पर प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है। प्रयागराज से न्यूज है, परीक्षा 11 से 11:30 बजे के बीच कराई जाएगी और यहाँ पर यह भी लिखा है कब से कब तक आपकी परीक्षाएं होंगी और कितने टोटल इसमें अभ्यर्थी हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, शारीरिक परीक्षण, ये सारी चीजें भी आपका होगा। लर्निंग सेंटर जो है कैदी किन्नर इन सभी के लिए खोला गया है। राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के रजत जयंती समारोह में इस पर फैसला देखने को मिला। सैटेलाइट इमेज से होगा भ्रष्टाचार का खुलासा, यहाँ पर आगे आने वाले टाइम को लेकर के बताया गया। एमएड में प्रवेश के लिए 6ठा कट ऑफ जारी कर दिया गया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बात की गई है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की विधि सेमेस्टर की परीक्षाएं 21 नवंबर से स्टार्ट होंगी। प्रवक्ता होम्योपैथिक जो परीक्षा है उसकी उत्तर कुंजी जारी कर दी है, जिन्होंने भी पेपर दिया है आंसर की चेक कर सकते हैं। द्वितीय परीक्षा के लिए आज से आवेदन कर सकते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो स्नातक के अलग अलग कोर्स हैं उसको लेकर के यहाँ पर बताया गया है। भर्ती परीक्षा के सेंटर पर उठाए गए सवाल प्रयागराज से न्यूज है और यहाँ पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो है उन्हीं को लेकर के बताया गया है। विज्ञान संख्याय के कटरा गेट से वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में एक कॉलेज का आरक्षण संशोधित। दिव्यांग अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कल देखने को मिलेगी, यहाँ पर भी प्रयागराज से केपी ट्रेनिंग कॉलेज के लेकर के बोला गया है। राज्य विश्वविद्यालय का स्पोर्ट्स कैलेंडर जारी कर दिया गया है। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह विश्वविद्यालय को लेकर के यहाँ पर बताया गया है। अब प्रधानाचार्य बताएंगे नर्सिंग पैरामेडिकल कोर्स की जो महत्ता है उसके बारे में। लखनऊ से जो है वो न्यूज है, AKTU MBA MCA की 80% सीटें जो है वो खाली रहेंगी। APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय से संबद्ध जो विद्यालय हैं उनको लेकर के यहाँ पर बताया गया है। अब अनुभवी और प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षा अधिकारी बन सकेंगे BSc। 5 सदस्यीय कमेटी जो है तय करेगी इसके संदर्भ में क्या रहेंगे मानक। 7 नवंबर को बैठक होगी। फील्ड में काम करने का अनुभव ना होने से कोर्ट केस बढ़ रहे हैं उसको लेकर भी यहाँ पर बताया गया है। अगली अपडेट आपकी है, बिना अर्हता निजी जो विश्वविद्यालय प्राइवेट जो कॉलेज स्कूल हैं उनमें पढ़ा रहे शिक्षक बाहर होंगे तो शिक्षकों की नियुक्ति में नहीं चलेगी प्रबंध तंत्र की मनमानी, तो उसी को लेकर के बहराइच से न्यूज है। और शीघ्र ही विद्यालयों की जांच शुरू होगी वो भी यहाँ पर बताया गया है, मतलब प्राइवेट स्कूलों को भी अब अपने कब्जे में किया जाएगा। बेसिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए होगा एक महानिदेशक, आज कैबिनेट बैठक रखे जाएंगे, करीब 35 प्रस्ताव। लखनऊ से जो है वो न्यूज है और रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 को मंजूरी मिल सकती है उसको लेकर भी यहाँ पर बताया गया है। विद्यालयों में पढ़ाई के घंटे के बारे में 20 तक रिपोर्ट मांगी गई है, लखनऊ से जो है वो न्यूज है। सरल ऐप के जरिए निपुण परीक्षा जो है वो 10 से देखने को मिलेगी। कक्षा 8 से 8 तक के जो प्रसिद्धीय विद्यालय है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है उनमें पढ़ने वाले सभी बच्चों को सरल ऐप के जरिए जो परीक्षा है वो 10 नवंबर से 30 नवंबर तक कराई जाएगी उसी को लेकर के बताया गया है। आगे जॉब अलर्ट अमर उजाला, भारतीय डायनामिक्स लिमिटेड इसमें अगर बात करें तो आपको 37 पद कुल यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। MT सहायक प्रबंधक के पदों पर भर्ती और यहाँ पर पूरी डिटेल दे रखी है, वीडियो को रोक करके आप पढ़ सकते हैं। आवेदन शुल्क 500 रुपए है और ऑफिशियल वेबसाइट bdl.india.in ऐसे करके आपको दे रखी है। अगली अपडेट, साहित्य एकेडमी में रिक्तियां, असिस्टेंट एडिटर, सीनियर अकाउंटेंट और अन्य पद, तो 10 पद यहां पर कुल यहां पर दिए गए हैं और यहां पर भी आप आवेदन के बारे में सारी डिटेल देख सकते हैं। अगली अपडेट आपकी है, AMD जो है, और ये ऑफलाइन, देखिए ऑफलाइन है ये फॉर्म जो है, आप ऑनलाइन नहीं है। AMD में करें आवेदन, 321 पद को लेकर के बताया गया है। सिक्योरिटी गार्ड, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर इत्यादि पद खाली हैं और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आवेदन के शुल्क जो है 200 रुपए दिया गया है। अधिक जानकारी के amd.gov.in पर आप विजिट कर सकते हैं। अगली अपडेट है, पाकिस्तान को वित्त, अब यहाँ से सब करंट अफेयर है,
पाकिस्तान को वित्तीय मदद और हाई स्पीड ट्रेन तकनीक देगा चाइना। सीआरपीएफ में पहली बार दो महिला जो अफसर हैं वो महानिरीक्षक जो है वो बनी है, एनी अब्राहम, सीमा धुंडिया। कोहली की विराट पारी, 5 रन से हार गया बांग्लादेश। T20 वर्ल्ड कप कल था, मतलब उसका जो मैच था उसी के अंतर्गत ही यहां पर बताया गया है। अगली अपडेट, नीदरलैंड ने सुपर 12 में दर्ज की पहली जीत, जिम्बाब्वे को 5 विकेट से हरा दिया। मैन ऑफ द मैच जो है वो 52 रन बनाए थे उन्होंने, उनको मिला। पाक के रिजवान को पिछाड़ दिया है, भारत के सूर्य कुमार नंबर 1 बल्लेबाज बन गए हैं। T20 रैंकिंग में विराट के बाद नंबर 1 बल्लेबाज बनने वाले दूसरे भारतीय हैं सूर्य कुमार यादव, और इनका नाम आपको याद रखना है, पहले पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान थे जिनको इन्होंने पछाड़ दिया है। और 1013 दिन तक नंबर 1 बल्लेबाज विराट कोहली रहे थे T20 रैंकिंग में, वो भी यहां पर बताया गया है। अगली अपडेट है, फिर चमके विराट, बांग्लादेश को 5 रन से हराया, तो उसी को लेकर के यहां पर बताया गया जो हमने ऊपर मैच बताया। तो कुछ और करंट अफेयर अपडेट की, केरल करेगा ट्रैक एशिया कप 2022 की मेजबानी। तो केरल 25 से 28 नवंबर 2022 तक ट्रैक एशिया कप जो है उसकी मेजबानी करेगा, उसको लेकर के आपको पता होना चाहिए। अगली अपडेट है, प्रधानमंत्री मोदी ने किया ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट इन्वेस्ट कर्नाटक 2022 का उद्घाटन। तो 2 से 4 नवंबर तक बेंगलुरु में हो रहे 3 दिवसीय कार्यक्रम में 80 से अधिक जो वक्ता सत्र हैं उनका आयोजन जो है वो होगा। सेकेंड लास्ट अपडेट है, जोजिला युद्ध स्मारक में मनाया गया जोजिला दिवस। कब मनाया गया? 1 नवंबर 2022 को मनाया गया। और नाम पूछा जाता है, तारीख पूछी जाती है, बस दो चीजें आपको ध्यान रखना है। अगली और इस वीडियो की लास्ट अपडेट देखते हैं, इसके अलावा वीडियो पसंद आए लाइक भी करते रहिएगा। केरल ने पीएसयू जो कर्मचारी हैं उनकी सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने के फैसले को रद्द कर दिया है, 60 वर्ष करने के अपने निर्णय को वापस लेने की घोषणा की है, वही यहाँ पर बताया गया। तो बस राज्य पूछा जाता है, केरल याद रखिएगा। यही था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में। इसी प्रकार डेली अपडेट पाते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल अवश्य ऑन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।